कोरोना वायरस को लेकर प्रदेश सरकार काफी गंभीर है। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह आम जनता को कोरोना वायरस से बचाव के उपाय के लिए प्रेरित करे। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग भी लगातार कोरोना वायरस के बचाव का प्रचार प्रसार कर रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार 22 मार्च को जनता कर्फ्यू घोषित किया है। उन्होंने अपील की है कि इस दिन लोग बिना काम के किसी वजह से घर से ना निकले, क्योंकि कोरोना वायरस का तीसरा चरण चल रहा है और हवा में इसके संक्रमण ज़्यादा फैलने की संभावना है। इसी कड़ी में शुक्रवार की शाम 4 बजे विदिशा के जिला कलेक्टर पंकज जैन, अपर कलेक्टर मयंक अग्रवाल बासुदा आए, जहां पर उन्होंने पटवारी कक्ष में स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली और निर्देश दिए कि आम जनता को कोरोना वायरस से बचाव के प्रचार प्रसार तेजी से किए जाए। उन्होंने जनता से अपील की है कि भीड़भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचे, बार बार साबुन से हाथ धोए, मुंह को हमेशा कपड़े से ढके रहे, किसी से हाथ न मिलाएं, यदि कोई संदिग्ध संक्रमित मिलता है तो उससे दूरी बनाए रखें। जिला कलेक्टर पंकज जैन ने बताया कि जिला अस्पताल में 20 फीट का कोरोना वार्ड बनाया गया है। विदिशा से आशीष सहेले की रिपोर्ट। विदिशा और मैं पुलिस अधीक्षक विदिशा द्वारा गंज बासोदा में यहाँ के धर्मगुरुओं से, सामाजिक संस्थाओं से और अन्य पब्लिक के गणमान्य नागरिकों से बैठक ली गई कोरोना वायरस की रोकथाम के संबंध में। इस बैठक का मुख्य उद्देश्य ये था कि किस तरह से इफेक्टिवली इस वायरस की स्प्रेड यानी इसके फैलाव को रोका जाए, इस विषय में पब्लिक को जागरूक करना और आप लोगों से यानी पब्लिक के लोगों से उनका कोऑपरेशन मांगना कि वो संस्थाएं ही मोस्टली बंद कर रही हैं। विदिशा जिले में साहब कितने हैं? जिले में देखिए, जो हमारा जिला अस्पताल है वहाँ पर हमारे पास 20 बेड का क्वारंटाइन वार्ड है और 5 बेड का आइसोलेशन वार्ड है। जितने हमारे 2 सिविल अस्पताल हैं, सिरोंज का है और गंज बासोदा का है, वहाँ दोनों जगह 5 बेड का आइसोलेशन बनाया है और बाकी जितने भी हमारे CHC है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर है, वहाँ पे 2-2 बेड का आइसोलेशन भी बनाया है। पहले प्रधानमंत्री जी द्वारा अपील की गई है, आदेश नहीं किया गया है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।